हेलो ऑल, वरुण हियर एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू थ्रिलर बोन्स। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। द रीजन फॉर दिस ब्रेक वॉज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो द क्लाइमेट वॉज टू हार्श फॉर रिपोर्टिंग टू बी डन या टू बी वर्क ऑन एनी ट्रीज, सो मैंने जस्ट वॉटरिंग करते रहा मैं ट्रीज को रेगुलरली जस्ट टू मेंटेन देम। आई वॉजंट वॉकिंग ऑन एनी ऑफ माई ट्रीज टिल नाउ, बट स्लोली एंड स्टडीली जैसे अभी बारिश का सीजन आ जाएगा सो क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी फेवरेबल फॉर डूइंग मोर रिपोर्टिंग्स एंड मोर वर्क ऑन माई एक्जिस्टिंग ट्रीज। So slowly and steadily we have to get started now for our work at Thriller Bonsai. And second reason was that I was also focusing on my another channel which is Thriller Fitness, जो कि काफी अच्छे से चल रहा है। You can have a look at that particular channel. It's everything to do about fitness and I have been getting million views on that channel, which is almost 100 times more than this channel, of course. But do have a look at that channel. Meantime, let's get started with today's video. आज हम लोग cover करेंगे coral tree, guys. Indian coral tree और Erythrina indica. तो दिस इज अमेजिंग फॉरेस्ट ट्री। इसको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होता है, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखते हैं। एंड व्हेन इट फ्लावर्स व्हेन इट ब्लूम्स इट्स कम्प्लीटली लीफलेस। यस गाइस, सो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है ये ट्री। आज हम लोग को लगाना है बोनसाई पॉट में एंड इन अ बोनसाई वेल रनिंग सॉइल। जस्ट टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लांट, ये मैंने सीड से ग्रो किया था एंड दैट वॉज 2 years अगो। सो 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए इसको, कुछ भी नहीं किया। आई थिंक 4 सीडलिंग्स थे, 1 has died. अदर 3 आर स्टिल रिमेनिंग एंड आज हम लोग इनको अलग अलग पॉट्स में सेग्रीगेट करेंगे, लगाएंगे इन अ बोनसाई पॉट एंड इन अ बोनसाई सॉइल। गाइस, सो कीप वॉचिंग थ्रिलर बोनसाई। सो गाइस, दैट्स अवर ट्री विच वी हैव ग्रोन इन लास्ट 2 years। यू कैन सी इट्स प्रीटी बिग, ऊपर से भी काफी टॉल है, ऐसे उसके लीव्स होते हैं। एंड देन हियर वी हैव ब्यूटीफुल थिक बार्क, यू कैन सी इतना थिक है इसका बार्क। इट्स डूइंग वेरी गुड, इट्स क्वाइट हेल्दी एंड आई थिंक एक डेथ है इसमें, दिस वन हैज डाइड आउट, सो दैट विल इजीली गेट रिमूव्ड जस्ट लाइक दैट। इसको रूट्स ही नहीं है, ऑल आर डिकम्पोज्ड, लॉन्ग अगो इट हैड डाइड। सो फॉरगेट अबाउट दिस ट्री, वी स्टिल हैव गॉट 3 more। सो 3 ये जो ट्रीज हैं इनको हम लोग इनके ऊपर अभी काम करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन रिमूविंग द सॉइल फर्स्ट। सो ये जो ओल्ड सॉइल है ये भी बोनसाई सॉइल ही है, बट वी हैव टू रिमूव दैट फर्स्ट। थोड़ा सा लूजन अप करते हैं इसको। देन ट्राई टू जस्ट पुल इट विदाउट, देखो ऐसे आ गया बाहर, यू कैन सी ऑल दोज रूट्स। सो यू कैन सी दोज रूट्स कि 2 साल में इस 2 साल में कितने अच्छे से रूट फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन सी द रूट्स टेकिंग द शेप ऑफ द पॉट, लिटरली उनको ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं बचा है। दैट्स हाउ द सिचुएशन इज, बट टू आई थिंक सो इट इज जस्ट टू टॉल। सो पहले हम लोग इसको थोड़ा ऊपर से प्रून करें, तो आई एम जस्ट थिंकिंग इफ आई शुड डू दैट और नॉट, और मे बी यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड लाइक दैट इटसेल्फ। ठीक है, चलेगा, वी विल स्टार्ट इट जस्ट लाइक दैट। It's just too, one of the trees is too tall. I think that we need to prune it out first. मैं करता हूँ। So you can see that there are total 3 trees यहाँ पे। इसमें ये जो tree है, this is very strong and it's very tall. So I'll just prune it right over here. ऐसे, ऐसे उसको prune करते हैं। Okay, so short हो गए, सारे एक ही height पे आ गए। Now it's easy for us to work. तो क्या होता है? वो बैलेंस नहीं रहता है, फिर इट्स डिफिकल्ट टू वर्क। सो इतना वेट निकल गया, ब्यूटीफुल फॉलीएज कोरल ट्री का। सो विल गेट रिड ऑफ दैट, लेट्स फोकस हियर नाउ। सो यू हैव टू गेट द सॉइल रिमूव्ड। सो इसमें थोड़े हो सकते हैं अपने जो रूट्स है, हो सकता है थोड़े डैमेज हो, बट दैट्स फाइन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्री, बिकॉज इसको ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं है। सो द ट्रीज हेल्थ विल डिटीरियोरेट इफ यू डोंट डू टाइमली रिपोर्टिंग। सो इट वॉज वेरी मच नीडेड, ऑलरेडी डिले हो गया था काफ़ी। 2 साल इज अ बिग टाइम, 2 years इन द सेम पॉट एंड दैट टू 3 trees। Thank you.
सो यू कैन सी नाउ दैट आउट ऑफ दीज थ्री ट्रीज, एक ही ट्री जो है सबसे स्ट्रॉन्ग, उसको हम लोग लगाएंगे इन अ प्रॉपर बोनसाई पॉट, एंड द रिमेनिंग टू ट्रीज उनको हम लोग दूसरे पॉट में एक साथ लगा सकते हैं. तीन अलग अलग पॉट लगाएंगे तो दैट विल टेक टू मच अमाउंट ऑफ स्पेस एंड वी हैव लॉट ऑफ स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हियर. बीच में सोसाइटी वालों ने बोला था कि यू हैव टू रिमूव ऑल द प्लांट्स दैट टुक अस बाय अ शॉक एंड अ सरप्राइज, कि हम लोग क्या करेंगे फिर. बिकॉज ऑफ दैट वरी आई वॉजंट इवन प्लांटिंग न्यू ट्रीज बिकॉज ऑलरेडी एक तो स्पेस रिस्ट्रिक्शंस है, ऊपर से हम लोग को बोला गया था यू हैव टू रिमूव ऑल द ट्रीज, सो वॉट टू डू नाउ. सो वी टोल्ड देम कि हमारे पास बोनसाई ट्रीज है एंड ऑल, दे वर नॉट रेडी टू लिसन. फाइनली नो एक्शन हैज बीन टेकन टिल नाउ. पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है. आई नीड टू टेक सम डिसीजन इन दैट केस व्हाट टू डू ऑफ माय ब्यूटीफुल प्लांट्स. ओके सो सेपरेट हो रहे हैं अभी स्लोली. Yes, there we go. So, ये एक ट्री जो है वो अपना सेफली बाहर आ गया है. ये सेपरेटेड आउट. यू कैन सी टू लॉन्ग रूट्स. सो इसको स्ट्रेट अवे हम लोग थोड़ा प्रून कर देंगे. यू वांट टू कीप देम इवन स्टीवन. देयर वी गो. एक्सेस रूट्स है. एक ट्री हो गया अपना एंड वी हैव सम मोर. मे बी सेपरेट आउट देम एंड इनको हम लोग एक ही पॉट में लगाएंगे फिर से. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. लेट्स सी. ओके सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्री नाउ. उसके ऊपर हम लोग थोड़ा रूट्स देखते हैं कैसे है एंड वी हैव टू गेट इट प्लांटेड नाउ. सो गाइज फॉर द अदर टू ट्रीज वी कैन प्लांट देम इन द सेम सॉइल. दूसरी सॉइल लेने की कोई जरूरत नहीं है. वी कैन यूज द सेम सॉइल एंड यू कैन जस्ट प्लांट देम अक्रॉस. एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ रूट्स पे भी काम करने की ज़रूरत है बिकॉज यू कैन सी दैट रूट्स इतने भी ज़्यादा नहीं है अभी. लॉट ऑफ देम वी लॉस्ट देम. सो इन दोनों को हम लोग ऐसे ही लगा देंगे. जो लॉन्ग रूट्स है ना उनको थोड़ा सा प्रून कर देंगे. दैट्स इट. नथिंग मच टू डू. इनको अभी भी दे आर क्वाइट स्मॉल बिकॉज ऑफ दैट ओवर पावरिंग ट्री. इनको इतना विगर मिला नहीं ग्रो करने के लिए. सो वी विल जस्ट पुट सम सॉइल ऑन टॉप ऑफ इट. दैट्स इट. एंड ऐसे इनको हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं बेसिकली. एंड दूसरा जो ट्री है अपना उसके ऊपर हम लोग मेनली काम करेंगे अभी. सो दैट विल बी ट्रेनिंग इट इन अ बोनसाई पॉट. And perhaps you can also try to plant this also as a cutting. It works out. Just इसको हम लोग ऐसे डाल सकते हैं. And थोड़े एयर पॉकेट जो रहेंगे वो रिमूव कर देंगे इसे. Let's go back to the other side.
दैट शुड बी फाइन. काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया अभी, इसको साइड में रहने देते हैं. वर्क ऑन द मिनट्री नाउ. सो आई हैव अ गुड ब्यूटीफुल न्यू पॉट, सो लेट्स यूज दैट वन ऑरेंज पॉट फ्रॉम वी ग्रीन. प्लास्टिक पॉट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी. सो विल ट्राई टू प्लांट इट हियर. देख सकते हैं कि ज़्यादा रूट्स है नहीं जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं. सो विल जस्ट ट्राई टू स्प्रेड इट अक्रॉस ताकि वो रेडियल वे में ग्रो करे. एंड देर इज़ नो टैप रूट. दैट इज स्ट्रेंज, देर इज़ नो टैप रूट. सो प्रून करने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर टैप रूट रहेगा तो यू हैव टू ऑलवेज रिमूव दैट. एंड दिस इज़ फेयर इनफ, इज परफेक्टली फाइन. सो थोड़ा सा सॉइल लेते हैं. विल ट्राई टू यूज़ दिस सॉइल विच आई एम ऑलरेडी हैविंग हियर. एक लेयर पहले इनिशियली ड्रॉप करता हूँ. And then we'll just plant it in the center. So अगर आप सेंटर में प्लांट नहीं करेंगे तो अच्छा दिखता नहीं है बेसिकली. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. एंड उसको इक्वल स्पेस नहीं मिलेगी. तो यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर प्लांटिंग इन द सेंटर ऑफ द पॉट ताकि उसको सभी डिरेक्शन में ग्रो करने को स्पेस मिले. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा रूट ग्रोथ हुई नहीं है. दैट्स मेनली बिकॉज बाजू में ट्रीज थे इसके. सो दैट्स वाई यहाँ पे रूट ज़्यादा ग्रो नहीं हुए. बट अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि वंस इट इज़ प्लांटेड इन दिस पॉट इट शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रूट्स फ्रॉम ऑल द साइड्स बेसिकली. ओके, सो ये सेंटर में है, प्लस ये भी यहाँ से भी सेंटर में है. सो वंस यू आर कन्विंस्ड यू आर सेटिस्फाइड ओनली देन पुट मोर सॉइल ऑन इट ताकि ये फिक्स हो जाएगा फिर. ओके, जस्ट लाइक दिस. एंड वी नीड सम मोर सॉइल, ये साइड से डालेंगे. सो अभी इसको जस्ट टाइटन अप करना पड़ेगा ताकि अच्छा होल्ड मिले, इसको अच्छी ग्रिप मिले. ओके, विल डू दैट नाउ. Still isn't as tight as I would expect, but ठीक है, इसको थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम देना पड़ेगा. वुड बिकम स्ट्रॉन्ग इवेंचुअली. इसके रूट्स थोड़े से कम थे, बिकॉज ऑफ दैट इट्स स्लाइटली मूविंग अक्रॉस. बट आई थिंक इफ इट रिकवर्स वेल विद इन फ्यू मंथ्स इट विल बी वेरी टाइट. After it starts growing new roots. So that's it, I think. Fair enough. You would keep that for now. इसको हम लोग थोड़ा सा पानी देंगे. I'll just quickly show you the complete view of this tree. And you can see कैसे दिख रहा है now. Zoom out for you. ये complete view of this tree. It's very small. यहाँ पे हम लोग ने इसको trim किया है. And this is the other set of trees that we have kept aside. So that's it. So now we do the watering. That's it, that should be fair enough. So guys, now time for a quick update on all my existing trees. You can see that they are all doing well and growing like crazy. Is the ficus zone here, most of the ficus trees you can see here. You can see banyan tree as well. They're all doing good.
below we have all these fruiting trees. You can see beautiful, beautiful lemon coming here. So that's from my lemon tree. A lemon tree hai, Spanish cherry tree hai. You can see orange tree, all doing good. Good apple also doing good. I've installed some lights here. These are solar lights. They turn on automatically at night. Looks beautiful. And here you can see all the trees. Neem trees also here. Parijat tree. सब आपको देखने को मिल रहे हैं. All are doing good. Even the Hawaiian hollyhock tree. Lee Burgundy is doing good. That is Jacaranda. You can see. It's doing good. Golden Chowar भी ठीक ठाक है. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सारे trees जो है they are doing good. Jackfruit tree. Here we go with all the trees. You can see Bougainvillea are getting nice. Pink flowers, you can see that. Beautiful, isn't it? यहाँ पे थोड़ा सा बहुनिया को थोड़ा सा इशू हो गया था. सो यू कैन सी दैट इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स लीव्स. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज फुली हेल्दी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द ट्रीज दे आर डूइंग वेरी गुड. एंड कमिंग टू द कोल्डर क्लाइमेट जोन, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल बट नॉट दैट एक्सलेंट बिकॉज इट्स टू हॉट. समर सीजन चालू है, बहुत ही गर्मी है. सो यू कैन सी जैपनीज मेपल इज स्टिल हियर विद अस, बट जैपनीज मेपल इज स्ट्रगलिंग यू कैन सी बिकॉज ऑफ द हीट, टू मच हीट आउटसाइड. सो बिकॉज ऑफ दैट हीट आप देख सकते हो कि जैपनीज मेपल इज wilting little bit, but still it is there, it is alive, it's not dead. I'm sure it will recover one day. Barish ke season mein I think it will recover. And then we have got this pine tree, Himalayan pine, it's doing good. Willow tree bhi hai. Oh look, tree bhi hai. Oh look. Then the locust tree, it was, the leaves were eaten by the leaf cutting bees. I killed that bee, but the leaves damage is done. एंड यहाँ पे चाइनीज एल डॉग बाबा एवरीथिंग. एप्पल ट्री भी है. दिस ट्रीज दे आर डूइंग गुड. एंड इवन द मैंगो ट्री, इधर क्या ये है मैंगो ट्री, इसको भी नए लीव्स आ गए. सो दैट इज ऑल्सो सर्वाइव दिस टाइम. दो तीन अटेम्प्ट्स लगे मुझे मैंगो ट्री ग्रो करने के लिए, बट नाउ इट इज देयर विद अस. सो दैट्स ऑल प्रीटी मच ग्रोइंग फॉरेस्ट इज़न्ट इट. जल्दी से ट्रिम करना पड़ेगा इन सबको फिर से. दे आर ऑल ग्रोइंग लाइक क्रेजी. But yeah, that's all from my side, from the updates point of view. So guys, hope you liked that particular video on Erythrina indica, that's Indian coral tree. अगर आपको पसंद आ गया होगा तो like जरूर कीजिएगा and do subscribe to Thriller Bonsai. So goodbye from myself Varun, until we meet next time. Thanks a lot for watching. Take care.